आपको अपनी यंग एज में खराटे आते हैं, यह बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। नमस्कार, आई एम डॉक्टर सुरेश सिंह नरूका। आई एम ए सीनियर कंसल्टेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ ENT अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली। खराटे शरीर के लिए, सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। खराटों से हमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, इंसोमनिया जैसी बड़ी बीमारियां भी हो सकती है। अगर खराटे बहुत ज़्यादा सीरियस और सीवियर हो जाएं, तो हमें हार्ट अटैक की संभावनाएं भी रहती है, जैसे बप्पी लहरी के केस में। अगर हम बात करें कारणों की, तो खराटों के प्रमुख कारण हैं ऑब्स्ट्रक्शन। ये ऑब्स्ट्रक्शन आपके नाक या मुंह में हो सकते हैं। दूसरा एक प्रमुख कारण है मोटापा, ओबेसिटी, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन एंड स्ट्रक्चरल ऑब्स्ट्रक्शन इन ओरल कैविटी आपको बहुत ज़्यादा खराटे दे सकते हैं। खराटे एक पुअर क्वालिटी ऑफ स्लीप का इंडिकेटर है, इसका मतलब आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी नहीं है। अगर आपको खराटे आते हैं और अगर आपके खराटे आपके और आपके आसपास के एनवायरनमेंट में आपके आस पड़ोस के लोगों को परेशान करते हैं, तो ऐसे में आप एक ENT डॉक्टर से मिलकर इसके कारणों को जान सकते हैं और इससे निदान भी पा सकते हैं। कारणों को जानने के लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें स्लीप एंडोस्कोपी, स्लीप स्टडीज़ और सीटी स्कैन जैसे इन्वेस्टिगेशन शामिल हैं। अगर हम इनके निदान की बात करें, तो वेट रिडक्शन ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वेट रिडक्शन से आपकी मांसपेशियाँ टोन अच्छी हो जाती है, आपके खराटे कम हो जाते हैं। उसके अलावा एडिक्वेट स्लीप, इनफ वाटर इन द नाइट और कम से कम आपको अल्कोहल और स्मोकिंग से बचना चाहिए। अगर आपके खराटे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हैं, यानी कि अगर स्ट्रक्चर की एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से आपको खराटे आते हैं, तो आप सर्जरी करके भी खराटों से निजात पा सकते हैं। तो कभी भी अपने खराटों को लाइटली मत लीजिए। खराटों की समस्या को आपको बहुत सीरियसली एड्रेस करना चाहिए। अगर आपके खराटे आपको परेशान कर रहे हैं, तो तुरंत आपको ENT डॉक्टर से मिलकर इसका समाधान करना चाहिए। थैंक यू।